हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सागर और आप देख रहे हैं क्विक हैक हैकिंग कोर्स। आज हम ये देखेंगे कि डिस्पोजेबल ईमेल क्या होता है, ठीक है, और क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि जब हम हैकिंग करते हैं तो अपनी आईपी छुपाते हैं, राइट? अपनी आईपी को हम हाइड करते हैं ताकि हमारी आइडेंटिटी किसी को पता ना चल सके। लेकिन हैकिंग के दौरान कई केसेस ऐसे आते हैं कि हमको वेबसाइट्स पर विजिट करना पड़ता है और वहां पर रजिस्टर या साइन अप करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम अपनी ईमेल आईडी से साइन अप करेंगे तो हमारी तो फिर आइडेंटिटी पता चल जाएगी। ये तो पता चल जाएगा कि ये आईडी किस नंबर से बनी है या किस डिवाइस से पहले बनी है, तो हम तो पकड़े जाएंगे। तो फिर हमारी जो आइडेंटिटी है वो छुपेगी नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? देखिए, ऐसे केस में एक प्रोफेशनल हैकर डिस्पोजेबल ईमेल का इस्तेमाल करता है। आपने सही सुना, जैसे डिस्पोजेबल पेपर होते हैं, सिरिंज होती है, जिनको एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है, इंटरनेट पर ऐसे ईमेल भी मिलते हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल करके आप फेंक सकते हैं। एक साइट है gorillamail.com/inbox। यहां पर जितनी बार आप विजिट करेंगे आपको एक अलग टेम्प्ररी ईमेल आईडी मिलेगा और आप इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर किसी भी वेबसाइट में रजिस्टर कर सकते हैं अपनी बिना आईडी बताए। अगर आप अपनी आईपी छुपा रहे हैं और आप टॉर ब्राउजर और वीपीएन यूज कर रहे हैं एक साथ और फिर आप इस ईमेल को यूज कर रहे हैं, तो आप किसी भी वेबसाइट पर एनोनिमस होकर रजिस्टर कर सकते हैं। यहां तक कि आप फेसबुक पर भी एनोनिमस होकर अपनी आईडी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, जरा इसको हम देखते हैं। देखिए, हमने इस पेज को विजिट किया और हमें क्या ईमेल आईडी मिली है, ये। तो हम यहाँ कॉपी टू क्लिपबोर्ड वाला बटन दबाएंगे और ये जो हमारी ईमेल आईडी है ये यहाँ कॉपी हमारे क्लिपबोर्ड में हो गई। अब अपने जीमेल वाले इनबॉक्स में आता हूँ, ठीक है, और यहाँ से एक ईमेल कंपोज करने की कोशिश करता हूँ। किस ईमेल पर? जो हमने टेम्पररी बनाया। चलिए यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसको और यहाँ लिखते हैं हेलो हाउ आर यू, और यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, कैसे हो आप, ठीक है। इसको सेंड कर देते हैं और देखेंगे क्या ये ईमेल हमारे टेम्प्ररी ईमेल में आएगा। क्योंकि अगर ये टेम्प्ररी ईमेल में आ गया मतलब हमारे जो वेरिफिकेशन की ईमेल है वो भी इसमें आ सकते हैं। तो ये हर 5-6 सेकंड में अपडेट होता है और हम थोड़ा वेट करते हैं। और देखिए, यूथोलॉजी इंडिया से ईमेल आ गया, कैसे हो आप, इसको ओपन कर सकते हैं आप। ये जो चीजें हैं ये ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं कि कैसे आप एनोनिमस होकर किसी वेबसाइट पर रजिस्टर भी कर सकते हैं और कोई पता नहीं लगा पाएगा आप कौन हो। डिस्पोजेबल ईमेल आईडी नहीं, डिस्पोजेबल मोबाइल नंबर्स भी होते हैं जिनके इस्तेमाल से आप अलग अलग वेबसाइट पर साइन अप कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी छुपा कर, ठीक है। तो इससे अगले लेसन में हम वही देखेंगे कि डिस्पोजेबल जो फोन होते हैं वो कैसे काम करते हैं। थैंक यू सो मच।